हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी त्यौहारों के सीज़न में कुछ ना कुछ मीठा बनता ही रहता है, तो चलिए आज हम बनाते हैं सूजी और बेसन के लड्डू, और ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आप इसका अभी अंदर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कितना शानदार बना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पैन में घी। हमने यहाँ पे ये आधा कप घी लेंगे और इसे गरम करेंगे। जैसे ही घी थोड़ा सा गरम होने लगे, हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप बेसन ऐड किया है और इसे घी में मिक्स करेंगे। यहाँ पे फ्लेम को हमें लो ही रखेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स होने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसे लगातार हमें चलाते रहना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फ्लेम को लो ही रखा है। आप देखेंगे कि चलाते चलाते ये थोड़े से फ्लफ़ी होने लगेंगे और बेसन बहुत ही ढीला होने लगेगा। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इसे चलाते हुए 5 मिनट हो चुका है, ये बेसन बहुत ही लाइट हो चुका है और इससे घी भी निकलने लगता है। इसी तरह से हमें लो मीडियम में इसे चलाते रहेंगे तो देखेंगे कि बेसन थोड़े से झाग-झाग टाइप के बनेंगे। तो यहाँ पे बेसन अच्छे से भून चुका है। अब बाकी बचे स्टेज में हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप सूजी। सूजी को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और ये बेसन के साथ अच्छे से भून भी जाएगा, क्योंकि बेसन गर्म है और सूजी को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो स्टेज में हम सूजी ऐड कर लेंगे और इसे चलाते रहेंगे। बेसन से जितना भी एक्स्ट्रा घी निकलेगा वो सूजी में एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कम घी में भी आप बहुत ही अच्छा सा बेसन और सूजी के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो, अगर आपको घी कम लगे तो स्टेज में आप इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर सकते हैं। इसी स्टेज में हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो अपने मनपसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हम इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर लेंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आए। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं सूजी और बेसन अच्छे से भून चुके हैं और इससे भी घी थोड़ा सा निकलने लगा है। आपको ये थोड़ा सा गीला गीला लग रहा होगा। अभी यहाँ पर सूजी और बेसन अच्छे से भून चुके हैं और इसमें घी भी अच्छा खासा रिलीज़ हो चुका है। यहाँ पे इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमें इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, थोड़ी सी ही ठंडे होने के लिए हमें इसे छोड़ देंगे। अभी ये ठंडा हो चुका है, इतना ठंडा हो चुका है कि जिससे हम इसे छू पाएँ। तो अब इस स्टेज में हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो पिसा हुआ चीनी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी ऐड किया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं फुल 1 कप। मैंने यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी ऐड किया है और इसे अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा ठंडा नहीं हुआ है, जिससे कि चीनी इसमें बाइंडिंग हो जाएगा। अभी हमें इसके बॉल्स बनाने हैं। तो एक बार हाथों से भी अच्छे से चीनी और सूजी बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अभी इसके हम लड्डू बांधेंगे। जिस शेप के आपको लड्डू चाहिए उसी शेप के हम इसे शेप दे देंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे लड्डू बनकर तैयार हैं। आप इसे इसी तरह से इंजॉय कर सकते हैं या फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं ऊपर से। तो मैं यहाँ पे थोड़े से डेजिकेटेड कोकोनट से इसे डेकोरेट करूँगी। मैंने यहाँ पे थोड़े से ड्राई कोकोनट पाउडर लिया है और इसे इसमें अच्छे से डिप करूँगी जिससे कि इसका एक अच्छा सा लुक आए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो इसे पाउडर वाले शुगर से भी कोटेड कर सकते हैं, इससे भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मैं सारे लड्डुओं को ड्राई कोकोनट से कोट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आपको आज की ये रेसिपी कैसे लगी और इस त्यौहार में आप इसे ज़रूर बनाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो आप अंदर लड्डू को अंदर से भी देख सकते हैं बहुत ही दानेदार बने हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।